गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व यू द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी इन ईच एग्जामिनेशन. हियर इन पेज 76 वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 5 इट इज द प्रॉब्लम of exponential equation. Solve means to find the value of a variable. Here variable used is x. To find the value of a variable x. जो भी variable लगाया x, y, z, जो भी रहे उस variable का value ज्ञात करना, that is known as here solve. The first question is here. 5 का फर्स्ट 3 बाय 4 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 4 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 3. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम रूल को जानते हैं, जो रूल क्या है, किस रूल के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे. तो रूल 1 कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS दोनों में एक टर्म होनी चाहिए, एक सिंगल टर्म. अगर एक से अधिक टर्म्स हैं तो पहला काम है जो हम सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. जब वह सिंगल टर्म बन गया तो दूसरा रूल कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बेस एक समान होनी चाहिए. अगर बेस एक समान है तो बहुत बढ़िया, नहीं है बेस एक समान तो बेस एक समान बनाएंगे. ये दो काम जैसे ही हुआ, कॉन्सिक्वेंटली हम फर्दर क्या करेंगे तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कर देंगे. LHS के एक्सपोनेंट और RHS के एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे और देन हम उसको सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे. यही है मेरा वर्किंग रूल. हम हर एक प्रॉब्लम को बतलाते समय रूल का ध्यान आपको कराते रहेंगे ताकि आपको रूल याद हो जाए और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप जान जाएं. तो देखिए यहाँ 3/4 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 3/4 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 3. सबसे पहला रूल LHS एक टर्म है, RHS एक टर्म है, पहला वर्ड रूल कंप्लीट. LHS एक टर्म, RHS एक टर्म. तो इसको अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, इसको सॉल्व कर देते हैं. 3/4 एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 3/4 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 3. इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग बेस. बेस यही रहा 3/4, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किए 3 × 3 दैट इज 9. देखिए LHS एक टर्म, RHS एक टर्म, रूल 1 कंप्लीट. LHS का बेस 3/4, RHS का बेस 3/4, दोनों का बेस समान है, रूल 2 कंप्लीट. जब बेस इक्वल हो गया तो LHS के एक्सपोनेंट और RHS के एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, इक्वलाइज एक्सपोनेंट्स. LHS का एक्सपोनेंट 2x प्लस 1, RHS का एक्सपोनेंट 9, दोनों को इक्वल कर दिए. और एक बात और, क्या जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में हम और का व्यवहार करेंगे? इक्वल टू यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान. चलिए आइए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 9. अब इस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो व्हाइल चेंजिंग साइड चेंज द ऑपरेशन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इनटू है तो डिवीजन, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन. यहां प्लस 1 है, इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 9. ये प्लस 1 तो ये हो गया माइनस 1, साइड चेंज किए. 2 × x, 2 जो है वह x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा. x इक्वल टू 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4,
एक्स इजकल टू फोर सॉल्व हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टू बाय फाइव एक्सपोनेंट थ्री इंटू टू बाय फाइव एक्सपोनेंट सिक्स इजकल टू टू बाय फाइव एक्सपोनेंट थ्री एक्स सॉल्व। देखिए यहां LHS में एक दो टर्म्स हैं, RHS में एक ही टर्म है, तो LHS में तो दो टर्म है, तो सबसे पहला काम है दो टर्म है या तीन टर्म है या एक टर्म से ज्यादा है तो सिंगल टर्म कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं, पहले बीच में इक्वल टू शुरू में और लिखेंगे, और बेस आइडेंटिकल टू बाय फाइव इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। बेस यही रहेगा टू बाय फाइव, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में थ्री प्लस सिक्स, टू बाय फाइव एक्सपोनेंट थ्री प्लस सिक्स इजकल टू टू बाय फाइव एक्सपोनेंट थ्री एक्स। अब देखिए LHS में एक टर्म, RHS में एक टर्म, पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल में आते हैं, LHS का बेस 2 बाय फाइव, RHS का बेस 2 बाय फाइव, बेस भी एक समान है तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कर देंगे। RHS का एक्सपोनेंट 3x, LHS का एक्सपोनेंट 3 प्लस 6 9, दोनों को इक्वल कर देंगे 3x इक्वल टू 9। ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज कराएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 से 3 एक्स इजकल टू 3 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5 का थर्ड। माइनस 1 बाय 5 एक्सपोनेंट 20 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 5 एक्सपोनेंट 15 इजकल टू माइनस 1 बाय 5 एक्सपोनेंट 5x। LHS में दो टर्म, RHS में एक टर्म, पहले हमको ये करना है LHS में एक टर्म लाना है, और देखिए और लिखते हैं बीच में इक्वल टू है तो और। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रहेगा माइनस वन बाय फाइव, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसमें, तो डिविडेंट के एक्सपोनेंट में, डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बेस वही माइनस वन बाय फाइव, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो 20 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 एक्सपोनेंट 5x। अब देखिए LHS में एक टर्म, RHS में एक टर्म हो गया, दूसरा रूल वन कंप्लीट। रूल टू, LHS का बेस माइनस 1 बाय 5, RHS का बेस माइनस 1 बाय 5, बेस एक समान है, रूल टू कंप्लीट। तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे, इक्वलाइज एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट यहां है 5x RHS में, यहां एक्सपोनेंट है 20 माइनस 15, इसको इक्वल करेंगे यानी 5x इक्वल टू 20 माइनस 15 5। 5 ये मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, x इक्वल टू 1, क्योंकि बहुत सारे लड़का इसको काट देता है, 0 लिख देता है, ऐसा नहीं करना है, एक्स इजकल टू 1 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4। 1 बाय 16 इंटू 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 2 इजकल टू 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां देखिए LHS में दो टर्म, RHS में एक टर्म, तो पहले सिंगल टर्म करेंगे, तो सिंगल टर्म करेंगे तो कैसे, यहाँ बेस है 1 बाय 16, यहाँ बेस है 1 बाय 2, यहाँ एक्सपोनेंट 1, यहाँ एक्सपोनेंट 2, ना बेस इक्वल ना एक्सपोनेंट इक्वल, तो इसमें एक्सपोनेंट का कोई लॉ ही नहीं काम करेगा, इसलिए बेस को एक समान बनाते हैं। 1 बाय 16 को लिखते हैं 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 4, 1 एक्सपोनेंट 4 तो 1, 2 एक्सपोनेंट 4 तो 16, 1 एक्सपोनेंट 4 तो 1, 2 एक्सपोनेंट 4 तो 16, तो 1 बाय 16 को लिखे 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 4 इंटू 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 2 इजकल टू 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए
थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू टू सिक्स। अब आइए यहाँ दो टर्म बेस दोनों का एक समान हो गया वन बाय टू, तो इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही है वन बाय टू, एक्सपोनेंट को ऐड किए फोर प्लस टू इजकल टू वन बाय टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब देखिए LHS एक टर्म RHS एक टर्म, रूल वन कंप्लीट, LHS में बेस वन बाय टू, RHS में बेस वन बाय टू, रूल टू कंप्लीट। जब रूल वन रूल टू कंप्लीट तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कीजिए, यहाँ एक्सपोनेंट थ्री एक्स माइनस सिक्स, यहाँ एक्सपोनेंट फोर प्लस टू सिक्स, थ्री एक्स माइनस सिक्स इजकल टू सिक्स। अब इसको इस साइड ले जा रहे हैं, ये माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, थ्री एक्स इजकल टू सिक्स, ये माइनस तो प्लस सिक्स, थ्री यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, साइड बदलेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, एक्स इजकल टू सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री तो फोर, एक्स इजकल टू फोर, सॉल्व हो गया। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको वर्कशीट फाइव में भी है, चलिए आइए वर्कशीट फाइव में आज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही केवल सॉल्व करेंगे, पेज 82 वर्कशीट फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व, ये भी है वही सॉल्व, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सिक्स का फर्स्ट थ्री बाय फोर एक्सपोनेंट माइनस नाइन इंटू थ्री बाय फोर एक्सपोनेंट माइनस सेवन इजकल टू थ्री बाय फोर एक्सपोनेंट फोर एक्स। एल एच एस में दो टर्म, आर एच एस में एक टर्म, पहला काम है एक टर्म लाना एल एच एस, इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही थ्री बाय फोर, एक्सपोनेंट को ऐड किए माइनस नाइन आ प्लस माइनस सेवन इजकल टू थ्री बाय फोर एक्सपोनेंट फोर एक्स। देखिए एल एच एस एक टर्म, आर एच एस एक टर्म, एल एच एस का बेस थ्री बाय फोर, आर एच एस का बेस थ्री बाय फोर, दोनों रूल कंप्लीट, तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कीजिए, यहाँ एक्सपोनेंट फोर एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्सपोनेंट माइनस नाइन आ माइनस सेवन तो माइनस सिक्सटीन, फोर को इधर आ रहे हैं तो एक्स इक्वल टू फोर, मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, सॉल्व हो गया। चलिए आइए सेकेंड सिक्स का सेकेंड क्वेश्चन, टू बाय नाइन एक्सपोनेंट माइनस सिक्स इंटू टू बाय नाइन एक्सपोनेंट थ्री इजकल टू टू बाय नाइन एक्सपोनेंट टू एक्स माइनस वन। आर एच एस में एक टर्म, एल एच एस में दो टर्म, पहले एल एच एस में एक टर्म बनाना है, रूल वन कहता है, तो बेस आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही टू बाय नाइन, एक्सपोनेंट को ऐड कर रहे हैं माइनस सिक्स प्लस थ्री, एक्सपोनेंट को ऐड किए इजकल टू टू बाय नाइन एक्सपोनेंट टू एक्स माइनस वन। अब एल एच एस एक टर्म, आर एच एस एक टर्म, पहला रूल कंप्लीट, एल एच एस का बेस टू बाय नाइन, आर एच एस का बेस टू बाय नाइन, रूल टू भी कंप्लीट, तो इक्वलाइज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कीजिए, आर एच एस का एक्सपोनेंट टू एक्स माइनस वन इक्वल टू एल एच एस का एक्सपोनेंट माइनस सिक्स प्लस थ्री, दोनों को इक्वल करते, एक्सपोनेंट को इक्वल करते, जब रूल वन और रूल टू कंप्लीट तो एक्सपोनेंट को इक्वल करते। अब इसको इधर ला रहे हैं टू एक्स इजकल टू, माइनस वन को इस साइड ला रहे हैं, इधर क्या है पहले लिखते हैं माइनस सिक्स प्लस थ्री तो माइनस थ्री, माइनस सिक्स प्लस थ्री तो माइनस थ्री, इसको ला रहे हैं ये माइनस वन है तो आ गया तो प्लस वन, टू को हटा रहे हैं यहाँ से, टू को हटा रहे हैं इस साइड ला रहे हैं, ये टू है मल्टीप्लीकेशन में, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो एक्स इजकल टू माइनस थ्री या प्लस वन तो माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू और डिवाइडेड बाय टू, ये टू आ गया यहाँ पर, माइनस टू डिवाइडेड बाय टू तो टू, माइनस टू डिवाइडेड बाय टू तो माइनस वन, एक्स इजकल टू माइनस वन, सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर टू। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री,
सिक्स का थर्ड, फाइव बाय सेवन एक्सपोनेंट टू, फाइव बाय सेवन एक्सपोनेंट टू डिवाइडेड बाय फाइव बाय सेवन एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस वन इजकल टू फाइव बाय सेवन एक्सपोनेंट फोर। एल एच एस में दो टर्म, आर एच एस में एक टर्म। पहला रूल कहता है दोनों तरफ एक एक टर्म होनी चाहिए, इस दो टर्म को एक टर्म बना रहे हैं। तो इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिविजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, अगर बेस एक समान है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, बेस वही रहेगा, बेस फाइव बाय सेवन। किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिविडेंट के एक्सपोनेंट में डिवाइडर के एक्सपोनेंट की, डिविडेंट का एक्सपोनेंट टू में सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइडर के एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव बाय सेवन एक्सपोनेंट फोर। अब एल एच एस में एक टर्म, आर एच एस में एक टर्म, एल एच एस का बेस फाइव बाय सेवन, आर एच एस का बेस फाइव बाय सेवन, इक्वलाइज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कीजिए, यहां एक्सपोनेंट फोर इक्वल टू फोर इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन टू, ये माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस, तो सबका साइन बदल लीजिए, माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो सबका साइन बदल देंगे, ये है माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये है प्लस वन तो हो जाएगा माइनस वन, माइनस थ्री एक्स माइनस वन। अब इसको उठा करके इधर लाइए, इसको ले जाइए इधर, ये माइनस थ्री एक्स है इधर आया तो प्लस थ्री एक्स इजकल टू टू माइनस वन तो वन, इसको लाएंगे इधर, ये प्लस है तो माइनस और फोर, देखिए ध्यान से थ्री को हटाना है यहाँ से, ये मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, एक्स इजकल टू वन माइनस फोर तो माइनस थ्री, वन माइनस फोर तो माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री तो माइनस वन, एक्स इजकल टू माइनस वन, सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट एक्स होल एक्सपोनेंट माइनस वन इजकल टू माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट टू होल एक्सपोनेंट माइनस थ्री। एल एच एस में दो टर्म, आर एच एस में एक टर्म, पहला काम है एक टर्म लाना एल एच एस में और आर एच एस में, आर एच एस तो है ही एक टर्म, एल एच एस को एक टर्म लाना है। तो पहले देखते हैं यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ भी एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, इसको पहले हटा देते हैं, तो माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट टू माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट एक्स होल एक्सपोनेंट एक्स इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए एक्स इंटू माइनस वन तो माइनस एक्स इजकल टू माइनस सिक्स बाय अलेवन टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। अब आइए यहाँ दो टर्म, यहाँ एक टर्म, यहाँ एक टर्म बनाना है। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिविजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रहेगा माइनस सिक्स बाय अलेवन, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो किसमें किसको, तो डिविडेंट के एक्सपोनेंट में डिवाइडर के एक्सपोनेंट में, डिविडेंट का एक्सपोनेंट माइनस टू इसमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस किसको, डिवाइडर के एक्सपोनेंट माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय अलेवन एक्सपोनेंट। देखिए अब एल एच एस में एक टर्म, आर एच एस में एक टर्म, एल एच एस का बेस माइनस सिक्स बाय अलेवन, आर एच एस का बेस माइनस सिक्स बाय अलेवन, तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, माइनस एल एच एस का एक्सपोनेंट माइनस टू माइनस माइनस प्लस एक्स इजकल टू माइनस सिक्स, इस माइनस टू को दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ बच गया एक्स इजकल टू माइनस सिक्स, इसको ला रहे हैं इधर, ये माइनस है तो प्लस टू, माइनस सिक्स प्लस टू तो माइनस फोर, एक्स इजकल टू माइनस फोर, सॉल्व हो गया। तो आज का एच डब्ल्यू है डू प्रैक्टिस ऑफ एट प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोनेंट, आज जो हम ये एट प्रॉब्लम्स बनाए हैं इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास
कल हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थैंक यू।